अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्टी फूड विद तमन्ना। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा पराठा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये 300 ग्राम मैदा लिया है और 250 ग्राम सूजी, नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग और चीनी भी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और ये हमने थोड़े से काजू और बादाम कट किए हैं। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने मैदा लिया है और इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और इसमें पानी डाल के इस मैदे को गूंध लेंगे। तो मैदे को हमने नॉर्मल गूंद लिया है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है, और अब हम इसको पन्नी से कवर करके एक घंटे के लिए रख देंगे। और हम अब हलवे की तैयारी करते हैं। इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी हमने गरम कर लिया है, अब हम इसमें इलायची डालेंगे इसे खोलकर, और अब इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो सूजी को हमें जब तक भूनना है जब तक इसमें कलर चेंज ना हो जाए और खुशबू आने लगे, तो इसे हम जब तक भूनेंगे। तो सूजी को हमने भून लिया है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। दो ग्लास पानी डालेंगे और चीनी ऐड करेंगे। हलवे का कलर डालेंगे। तो ये देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है, और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। और इस तरह से हमें एक दो मिनट तक चलाना है। तो ये सूजी का हलवा तैयार है, और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और हम चलते हैं पराठे की तरफ। तो अब हम पराठा रेडी करेंगे। हमने बेल लिया है, अब हम इसमें हल्का ऑयल लगाएंगे।
इस तरह से हमें फोल्ड करना है और इस तरह से हमें शेप देना है। ये देखिए कितना अच्छा और कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से हम सारे तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से शेप देके से तैयार कर लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको बेल लिया है और अब हम इसको सेकेंगे। पैन हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने बेला है वो डालेंगे। अब हम इसको दूसरी तरफ सेकेंगे। देखिए कितने अच्छे से इसमें सिका है। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। और अब हम इसी तरह सारे सिक्के तैयार करेंगे। तो ये देखिए पराठा और हलवा दोनों रेडी है और हमने इसको हलवे को ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है, काजू बादाम और गोली से। और ये हलवा पराठा रेडी है। अब हम पराठा को तोड़ के दिखाते हैं कि कैसा बना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा पराठा बना है ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।